हमारे देश में समय समय पर ऐसी महान व क्रांतिकारी शख्सियतों ने जन्म लिया जिन्होंने तत्कालीन समाज को एक नई दिशा दी। उन तमाम समाज सुधारकों ने अपनी संपूर्ण ताकत देश को एक सूत्र में बांधने में लगा दी। उन्होंने अपने ऐशो आराम, भूख प्यास, थकान व नींद आदि जनता के हितों के लिए त्याग दिए, अपने आप को जनसाधारण के वास्ते समर्पित कर दिया। इस प्रयास में स्वाभाविक रूप से उन्होंने विभिन्न प्रकार की तकलीफें सही, अपने विरोधियों की जातिवादी व संकीर्ण एवं सांप्रदायिक व पूंजीवादी उनकी तुच्छ व स्वार्थ से भरी राजनीति का भी सामना किया। समाज विरोधी ताकतें हर संभव उनके मार्गों में रुकावटें डालती रहीं, मगर ऐसे लोगों के हर कुप्रयास अंत में विफल ही साबित हुए। इसके साथ ही विशेषकर दलित, आदिवासी, पिछड़े व अन्य उपेक्षित समाज के कल्याण हेतु ज्यादातर समाज सुधारकों को तो कहीं अधिक अति विकट व कष्टदायक परिस्थितियों से जूझना पड़ा। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रमुख तौर से यहां जातिवादी व समाज विरोधी ताकतों के निशाने पर रहे, मगर यह हमारे देश व विशेषकर दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों आदि का सौभाग्य ही रहा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके हित व कल्याण के लिए कदापि अपनी राह से नहीं भटके। वे अति विषम परिस्थितियों में भी डटे रहे, संघर्ष करते रहे। यही कारण रहा कि वे आज भी इन वर्गों के प्रमुख प्रेरणा स्रोतों में अग्रणी स्थान रखते हैं। उनके बाद आधुनिक भारत की राजनीति में इन वर्गों के विकास व उत्थान के लिए आगे आने वालों में मान्यवर श्री कांशीराम जी का नाम विशेष आदर पूर्वक लिया जाता है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इन्हीं वर्गों के चहुमुखी विकास में न्योछावर कर दिया। इस देश की समाज व्यवस्था के आधार पर जिनको पढ़ना लिखना हजारों साल तक मना रहा, और उसके शिक्षा के अभाव के कारण जिंदगी के हर पहलू में ये लोग नीचे गिरे। हमसे पहले जिन महापुरुषों ने इनकी गिरावट को दूर करके इनको ऊपर उठाने की सोचा, शिक्षा के मामले में ये लोग सिर्फ पढ़ना लिखना ही ना सीखें बल्कि उच्च शिक्षा की तरफ उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया, और उससे सबक सीखकर हम लोगों ने सोचा कि ये इस मामले में हमें पीछे नहीं हटने, गाड़ी पीछे नहीं हटनी चाहिए, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। जितना हम अपनी जिंदगी में बढ़ा सकते हैं हम बढ़ाएंगे। उनके बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश एवं पूर्व सांसद सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, जिनके मुख्य प्रेरणा स्रोत महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि रहे हैं। इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर ही यह भारत के राजनैतिक पटल पर किसी शुभ नक्षत्र की भांति उभरी, और फिर देश के विशेषकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व कल्याण के लिए इन्हें एक नया और संघर्षकारी नेता मिल गया। इसके साथ ही बहन कुमारी मायावती जी ने विकट परिस्थितियों में भी जिस साहस, लगन व कड़ी मेहनत से इन सभी लोगों को एक नई राह दिखलाई, वो अभूतपूर्व है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने चार बार के मुख्यमंत्रित्व काल में व संसद के दोनों सदनों में भी रहकर देश के खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं मध्यवर्गीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए उल्लेखनीय व ऐतिहासिक कार्य किए, तथा समय समय पर इनके हित व कल्याण हेतु जबरदस्त आवाज भी उठाई।
और साथ ही सर्व समाज को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक तौर पर मजबूत व आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास बहन कुमारी मायावती जी ने किया। वो अपने आप में एक अतुलनीय उदाहरण है। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने मूल्यों व सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया। उन्हें कभी भी किसी सत्ता अथवा राजनैतिक पद का मोह नहीं रहा। उनका मानना है कि सर्व समाज की उन्नति हेतु मन में मजबूत संकल्प एवं निस्वार्थ सेवा भावना का होना अति आवश्यक है। इसके लिए आपको किसी पद की आवश्यकता कदापि नहीं है। सर्व समाज के दुख सुख में भागीदार होना, सतत उनकी उन्नति के बारे में सोचना तथा समाज की भलाई के लिए नित नए प्रयासों को कार्यान्वयन करते रहना ही सही अर्थों में सर्व समाज का कल्याण करना है। यही बहन कुमारी मायावती जी की जिंदगी का मूल उद्देश्य रहा है। मेरा तो बहुजन समाज ही एकमात्र परिवार है, बल्कि बहुजन समाज को मैं इस लायक तैयार करना चाहती हूँ कि मैं कुर्सी के पीछे ना भागू, बल्कि कुर्सी हमारे पीछे भागे। सर्व समाज, विशेषकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हमेशा ही इनके इन सब कदमों के लिए उनका आभारी रहेगा। मुझे नहीं, संसद में तुमने बाबा साहेब को रोक दिया, दलितों के उद्धार का बाबा साहेब का अपमान किया, दलितों के उद्धार का बाबा साहेब का अपमान किया। चाह नहीं पद सत्ता की पर मैं न कभी झुकने वाली, दलितों पिछड़ों का शोषण अब बहन कहाँ सहने वाली, दलितों पिछड़ों का शोषण अब बहन कहाँ सहने वाली।